तो गाइस आज के कौन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जो कि आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं हैप्पी बर्थडे वीडियो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूं। जो आप लोग अभी प्री रिव्यू में वीडियो देख रहे हो, सेम वीडियो एडिटिंग करके मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा, और यहाँ से आप लोग बिटमार्क प्रोजेक्ट को आप लोग ओपन कर देना है। ओपन कर देने वाले या आप लोग का लगभग स्टेटस 30 सेकंड का होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि कितना ट्रेंड की स्टेटस एडिटिंग होने वाला है। गाइस यहाँ पर आप लोग को फोटो को ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए नीचे में प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना, और यहाँ पर फोटो ऐड करके ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन आड़ा कर देना है। तो आप लोग को फुल फ्रेम में फोटो हो जाएगा, और नेक्स्ट आप लोग बिट मार्क के हिसाब से फोटो को कट कर लेना है। फिर एक और फोटो को ऐड करना, फिर से कंपोजिशन आड़ा करके फिर आप लोग नेक्स्ट फोटो तक कट कर लेना है बिट मार्क के हिसाब से। तो यहाँ से एक एक करके सभी इमेज को अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। तो सो गाइस जल्दी से हम भी ऐड कर लेते हैं। और गाइस अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। गाइस लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सो गाइस इधर आप लोग इस टाइप से एक एक करके सभी इमेज को ऐड कर लीजिएगा, जो कि हैप्पी बर्थडे वीडियो एडिटिंग होने वाला है गाइस, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग स्टेटस है ये वाला। तो यहाँ पर इस टाइप से आप लोग इधर भी एक एक करके सभी इमेज पे इमेज जो कि ऐड कर लेना आप लोग, तो जल्दी से आप लोग को कर लेना है। सो गाइस जल्दी से हम भी कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने सभी इमेज को ऐड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो, और इन सारे फोटो पर इफेक्ट लगाना है। तो इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आप लोग सिंपल तरह से बैक हो जाना है, फिर गाइस यहाँ से भी शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और स्टार्टिंग के फोटो पर आप लोग क्लिक करना, और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, कॉपी फेड करके यहाँ से आप लोग सिंपल तरह से बैक हो जाना है। और गाइस यहाँ से आप लोग को बैक हो जाने के बाद फिर से आप लोग को बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ से ओपन कर देने के बाद इधर आप लोग को स्क्रॉल करना जहाँ से आप लोग फोटो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आ जाने के बाद इस वाला इमेज पर आप लोग क्लिक करना, और नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर कर देने के बाद फर्स्ट फोटो पर आप लोग का इफेक्ट लग गया है, तो आप लोग एक बीच का फोटो छोड़ के और ये वाला फोटो पर क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, पेस्ट कर देना। फिर आप लोग एक और फोटो छोड़ के इस वाला फोटो पर फिर से क्लिक करना, तो आप लोग एक का बीच वाला फोटो को छोड़ के और दूसरे फोटो पर आप लोग को पेस्ट करना है। सो गाइस जल्दी से ये भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग भी जल्दी से कर लेना। आप लोग थोड़ा टाइम देकर करना गाइस, नहीं तो वीडियो आप लोग का थोड़ा सा बेकार बन सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस फिर से यहाँ से आप लोग को बैक हो जाना, फिर से आप लोग को सेक्वेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पर टू नंबर के फोटो पर क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पर क्लिक करना, यहाँ से कॉपी इफेक्ट करके फिर आप लोग को बैक हो जाना है। फिर से आप लोग को बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ से आप लोग इधर स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ से इमेज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस वाला बीच वाला फोटो जो आप लोग छोड़े इस फोटो पर क्लिक करना, नीचे में इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पर क्लिक करना, पेस्ट कर देना। फिर आप लोग इधर जो फोटो छोड़े हो सारे एक फोटो पर आप लोग को इस वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। और गाइस आप लोग इस टाइप को वीडियो एडिटिंग करके स्टेप अपलोड करते हो तो मेरे को जरूर टैग कर देना, मेरा यूजर नेम @KS09 है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग का कुछ भी सवाल हो, आप लोग जैसे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, आप लोग जरूर से इस वाला वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा। तो सो गाइस यहाँ से सभी इमेज को मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है, फिर आप लोग को यहाँ से बैक हो जाना है। फिर गाइस यहाँ से शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और इधर आप लोग चले जाना, और यहाँ से दो आप लोग को लेयर देखने को मिल जाएगा, एक हैप्पी बर्थडे का, एक आप लोग को कलर वाला मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके और सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके बैक हो जाना, फिर से आप लोग को बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना, और जहाँ से आप लोग फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आप लोग चले जाना है। और यहाँ पर आ जाने के बाद ऊपर प्लस के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना, और यहाँ से क्लिक करके पेस्ट कर देना है, पेस्ट लेयर कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो तो कितना अमेजिंग सा लग रहा है नीचे में, जो कि एक हैप्पी बर्थडे का एक आप लोग कलर वाला दिख जाएगा। तो ये आप लोग को पूरा एंड तक कर लेना, जहाँ तक आप लोग का फोटो है वहाँ पर आप लोग चले जाना है। तो जैसे कि मेरा यहाँ तक फोटो है, यहाँ पर आ जाने के बाद दोनों लेयर का फुल कर देना है, इनका दोनों लेयर का आप लोग को फुल कर देना है। यहाँ तक फुल कर देने के बाद देख सकते हो कितना अमेजिंग सा लग रहा है। फिर से आप लोग यहाँ से बैक हो जाना है गाइस, और बैक हो जाने के बाद फिर से आप लोग सेक्वेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और इधर आप लोग को लास्ट में चार लेयर देखने को मिल जाएगा, चारों लेयर को आप लोग को सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना, करके यहाँ से आप लोग बैक हो जाना। फिर से आप लोग को बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और इधर आप लोग का स्क्रॉल डाउन करना है गाइस। यहाँ पर आप लोग को आ जाने के बाद फोटो पे और ऊपर में प्लस पर क्लिक करना, और यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना है। कर देने पर देख सकते हो कितना अमेजिंग सा लग रहा है, जो कि आप लोग को कलरफुल मतलब वीडियो एडिटिंग होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो पर आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ तक आप लोग एंड तक आ जाना है फोटो के, और फोटो के एंड तक आ जाने के बाद इन चारों लेयर को आप लोग फुल कर देना है। एक एक करके मैं सभी को कर लेता हूँ फुल।
फोटो था। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अमेजिंग सा मेरा कलर ऐड हो रहा है, जो कि देखने में बहुत ही ऑसम सा लग रहा है गाइस। तो सो गाइस यहाँ मेरा सभी पूरा कंप्लीट वीडियो हो चुका, और आप लोग स्टार्टिंग में जो आप लोग को फंड ऐड किया हो, जो कि यहाँ पर आप लोग को फंड देखने को मिल जाएगा, तो इस अलावा ग्रुप नंबर वन पर आप लोग क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना, यहाँ से एडिट्स ग्रुप पर क्लिक करना, और यहाँ से मिस जो विश्यू लिखा है इस पर आप लोग क्लिक करना, एडिट्स टेक्स्ट पर चले जाना। यहाँ से आप लोग को इन वाला फंड को ऐड कर लीजिएगा, तो आप लोग का फंड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर डाउनलोड करके और यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। नीचे में आप लोग को क्लिक करना, एक नंबर में जो लिखा हुआ है लेयर, इस पर क्लिक करना और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना। यहाँ से आप लोग को एक बूंदू देकर फिर उसके बाद आप लोग को वन लिखना है। तो यहाँ से वन लिखोगे तो यहाँ पर आप लोग लव का कुछ आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। फिर आप लोग को नीचे में वन में फिर से क्लिक करना, फिर से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर आप लोग यहाँ पर डॉट देना, तो यहाँ ऑटोमेटिक आप लोग का यहाँ पे एक बन जाएगा, जो कि दिल का फिगर देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ से ओके कर देना गाइस। तो आप लोग को इन्हीं दोनों फंड को अच्छा से ऐड कर लीजिएगा। तो वीडियो पूरा आप लोग एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग ये वाला फंड अच्छा से ऐड कर पाओगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो पूरा एंड तक आप लोग थोड़ा भी स्किप किए हुए देखना। तो इसका लेयर आप लोग छोटा हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ से फुल कर देना है। फुल कर देने के बाद आप लोग इसी टाइप से दो इधर आप लोग को भी लेयर देखने को मिल जाएगा, ग्रुप से दोनों लेयर पे आप लोग इसी टाइप से सेम कर लेना है। जैसे कि इस लास्ट वाला पर क्लिक करना है और ग्रुप्स एडिट्स पर क्लिक करना है यहाँ से, और इस वाला फॉन्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना, ऊपर में इस वाला फंड को आप लोग ऐड कर लेना, दो आप लोग को फंड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से ऐड करके ओके कर देना है। नीचे में आप लोग को वन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना, यहाँ से एक डॉट लगा देना, बस आप लोगों का हो जाएगा सिंपल तरह से। फिर आप लोग नीचे वाला में भी इसी टाइप से आप लोग कर लेना है। तो सो गाइस जल्दी से मेरा कंप्लीट वीडियो हो चुका है बहुत ही जल्द, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है। तो सो गाइस ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और इस वाला वीडियो को आप लोग को शेयर करने के लिए ऊपर में सेटिंग के बगल में एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है। और वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर में सेटिंग के बगल में एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग वहाँ पर सिंपल तरह से क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोग को वहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट के ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो आप लोग का वीडियो गैलरी में आप लोग का सेव हो जाएगा। जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।